नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर मेरा नाम है दीपक गुप्ता राजस्थान में मौजूद है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के ऐलान का इंतजार है पायलट को लेकर कि क्या पायलट के सीएम पद का ऐलान खुद राहुल गांधी करके जाएंगे या बाद में प्रियंका गांधी को यह कष्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि सबको पता चल चुका है कि पायलट में कितनी काबिलियत है हिमाचल चुनाव के नतीजे ने बात साफ कर दी कि प्रियंका और पायलट की जोड़ी हमेशा कारगर रही थी कारगर रहेगी और कारगर को लेकर यहाँ पर जब बातें हैं कि आने वाले चुनावों में भी ये सफल होती नजर आएगी अब प्रियंका पायलट एक साथ भारत जोड़ो यात्रा

Uh, कभी भी सीपी जोशी का फैसला विधायकों के इस्तीफे पर आ सकता है या हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है तो वहाँ पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है लेकिन प्रियंका गांधी ने जो वादे पायलट से किए थे वो जनता भूली नहीं है हम और आप बिल्कुल नहीं भूले हैं लगातार हम आप तक वही जानकारी पहुँचा रहे हैं कि कैसे जब मानेसर चले गए थे सचिन पायलट तो वहाँ पर राहुल और प्रियंका उनके पीछे पीछे गए थे और वहाँ पर उनकी बातों को आगे रखते नजर आए थे लेकिन इन सब चर्चाओं के बाद ये बातें भी सामने आती नजर आई कि किस तरीके से सचिन पायलट और प्रियंका गांधी क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई और बड़े पद के लिए काम करेंगे क्योंकि दर्शकों इसमें चर्चा इस बात की सामने आई थी कि लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी होनी चाहिए क्योंकि प्रियंका ने हिमाचल चुनाव जिता कर दिया बिना राहुल सोनिया के बिना गहलोत के एक तरीके से कह सकते हैं ज्यादा रैलियां उन्होंने नहीं की थी तो प्रियंका गांधी वो हिम्मत है कि बीजेपी यानी पीएम मोदी को टक्कर दे सकें राहुल गांधी दो बार चुनाव लड़े दोनों बार चुनाव हारे तो एक तरफ प्रियंका दूसरी तरफ पायलट अगर दोनों को लेकर कोई बड़ा ऐलान होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदा होगा अगर प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट और सचिन पायलट को सीएम कैंडिडेट की जगह सीएम बना दिया जाए तो फायदा कांग्रेस पार्टी का होगा ऐसा जनता और जान कारों का मानना है क्योंकि राहुल कई मौकों पर असफल रहे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में भले ही भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है भारत के मुद्दे को उठाया जा रहा है लेकिन कितने लोग उनके मुद्दे तक सुन रहे हैं कितने लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं आप खुद जानते हैं सोशल मीडिया तक सीमित है लोगों तक आती है फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती हैं जहाँ राहुल गांधी की वाहवाही की जगह थूथू होती है फिर ऐसी कुछ खबरें रहती है लेकिन अगर प्रियंका गांधी चेहरा बन जाती हैं तो प्रियंका गांधी कुछ असर डाल सकती हैं कुछ छाप छोड़ सकती हैं भले ही यूपी चुनाव में सीएम योगी के खिलाफ फेल रही थी प्रियंका गांधी लेकिन वहाँ प्रशासन की भी कुछ बात थी कि प्रशासन की गड़बड़ियाँ थी ई को लेकर मुद्दे उठाए गए थे लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा ना हो पी कैंडिडेट के चुनाव में तो आपका क्या मानना है क्या अर्जुन खड़गे को पीएम कहीं ना कहीं पद का दावेदार प्रियंका को बना देना चाहिए और पायलट को सीएम बना देना चाहिए चाहिए तो अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा क्योंकि इस वक्त राजस्थान के मुद्दे के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम मुद्दे को लेकर भी सवाल खड़े हैं रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद